जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र कहिए तो या इसी को रसायन विज्ञान कहिए तो दोनों ही सही है। मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता। बहुत तरह के लड़के आज हमारे इस मतलब की दौर में है, सबका अपना अपना तरीका अलग अलग है। और हम लोग कोई भगवान नहीं है जो आपके दिलो दिमाग में अंदर जाएंगे और आपको समझा के ला देंगे। हमारा बस एक ही काम है, बोर्ड पर बस स्मार्ट बने रहना है। केमिस्ट्री जो वर्ड है जिसको हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, नाम से ही पता चलता है। रसायन जिसको हम लोग केमिकल कहते हैं, रसायन बोले तो केमिकल, तो हम लोग इसके ये जिक्र करेंगे कि ये केमिकल ही है एक तरह का। लेकिन इस बात से हम ये भी आपको रूबरू करा दें कि रसायन शास्त्र जो है ये डिपेंड किसी न किसी पदार्थ पर करता है जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं, आप मैटर भी बोल सकते हैं। तो पदार्थ से ही हमारा केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। पदार्थ बोले तो केमिकल्स कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज जो आप ले सकते हो ईंट पत्थर जो हम लोग दिन भर खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, लिपिड हो, या फिर मेडिसिन वगैरह हो, इटीसी, जो भी हो आपके दिलो दिमाग में जो चलता है सारा के सारा सब्सटेंस है जो इन आंखों से दिख सके, जिसमें कुछ वजन हो, जिसमें रुकावट डालने की क्षमता हो, जो कुछ एरिया को स्पेस को कैप्चर कर सके, ऑक्युपाइड स्पेस, सो हम लोग उसी को कहते हैं पदार्थ। वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जो अवरोध उत्पन्न करती है उसे पदार्थ कहा जाता है। लेकिन आज इस पदार्थ में हमको केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखना है तो हम आपको ये बात बता दें कि जो भी पदार्थ होगा वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना, और उस छोटे पार्टिकल्स का नाम या तो हम लोग एटम दे सकते हैं या फिर उसे मोलेक्यूल दे सकते हैं। एटम या मोलेक्यूल्स जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे परमाणु या अणु। अणु और परमाणु ही आपका केमिस्ट्री है। लेकिन रियल में आप जिस लेवल में हो उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर दें तो पदार्थ जो होता है ये भी किसी ना किसी से मिलकर बना होता है। उस पदार्थ की गुण कैसी है, उस पदार्थ की जो मिलावट क्या क्या है, किससे मिलकर बना है, वो किसी से सटता है, किसी से कंपोज करता है, अर्थात किसी से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, ये सारी चीजें इस केमिस्ट्री में ही पढ़ना है आपको। तो केमिस्ट्री में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो पदार्थ के बारे में। और पदार्थ में क्या पढ़ना है कि कोई भी पदार्थ होगा किससे बना, बनाते समय कितना समय लगा, अगर समय लगा तो कौन कौन से चीजों के मिलने से बना, ये सारी चीजों की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस केमिस्ट्री में देंगे। एक ऐसा जानकारी हम आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में देंगे जो शायद ही आपको कहीं किसी के यहां से मिला होगा। ऐसी जानकारियां देंगे प्योर कॉम्पिटेटिव बेस्ड, जो तुम पढ़ते हो मेरे भाई वो कॉम्पिटिशन है नहीं, और जो तुम छोड़ देते हो वो कॉम्पिटिशन है, और वो चीजों को देखकर आपको चलना होगा। तो रसायन शास्त्र में हमको पढ़ना है पदार्थ के बारे में, और पदार्थ के बारे में भी हम केमिस्ट्री में क्या कहता है कि कोई भी जो पदार्थ है किससे बना, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है ये आपका निकला है साइंस से। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण के बारे में जानकारी लेंगे, पदार्थों के गुण ये किससे मिलकर बना, पदार्थों के संघटन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिशन, तथा पदार्थों के रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही केमिस्ट्री कहा जाता है। मैं छोटा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं आपको, तो जो केमिस्ट्री है इस केमिस्ट्री का खोज आपको मिस्र में हुआ, इसका खोज आपको मिस्र में हुआ था। मिस्र के एक शब्द है कीमिया, इस कीमिया शब्द से हुआ। इस कीमिया का मतलब होता है काला रंग, अर्थात केमिस्ट्री बोले तो काले रंग पर चलाया। बुढ़ो मत हिलाइए, काला रंग। और ये जो काला रंग है ये इसलिए वहां की केमिया वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि रियल में जिस आप केमिया बोलते हैं केमिया कोई और नहीं है, जिस देश में ये जन्म लेकर आ रहा है ना उस देश का ये प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। अर्थात याद रखिएगा जो केमिया वर्ड है ये केमिया ही मिस्र का पुराना नाम था, मिस्र का जो प्राचीन नाम था वही केमिया था,
और केमिया वर्ड से हम लोगों को इस बात से जिक्र चला कि केमिस्ट्री से जो केमिया वर्ड जो निकल के आ रहा हो, केमिया मिस्र का पुराना नाम था क्योंकि वहां की मिट्टी काली थी, इसलिए केमिया वर्ड से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। और ये भी याद रहे कि कला के क्षेत्र में ये सबसे आगे देश माना जाता था मिस्र। आज जो भी हम लोग जितने भी ड्रामा वगैरह वगैरह देख रहे हैं ना, जो भी हाथों का खेल हो तो, या फिर किसी लाल रंग को हरे रंग में बदल देना, हरा रंग को काला रंग में बदल देना, ये सारा के सारा खेल आपके मिस्र से उत्पन्न कराया है। तो ये माना जाता है ये कला का एक देश माना गया था। तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र, मिस्र के केमिया शब्द से, केमिया का मतलब होता था काला रंग। और क्यों होता था तो याद रखिएगा कि मिस्र का प्राचीन नाम ही केमिया था, इसीलिए केमिया का मतलब, क्योंकि वहां की मिट्टी काली थी इसलिए उसको केमिया भी कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदल के मिस्र कह दिया गया, हालांकि मिस्र को हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो याद रखिएगा ये सब केमिस्ट्री का एक छोटा सा मतलब परिचय था जिस दुनिया से हम लोग आए थे। और ये जो केमिस्ट्री वर्ड है इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था लेबोजियर, हालांकि पूरा नाम था इसका एंटोनी एल लेबोजियर, और उस एंटोनी एल लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने केमिस्ट्री का खोज किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें ही ले लो कि अगर हमें पैदा हमारे पिताजी किए हैं तो हम पापा दूसरे को थोड़ी ना जगाएंगे। ठीक इसी तरह अगर केमिस्ट्री का खोज लेबोजियर करता है तो लेबोजियर ही ना इसका पिता होगा। इसलिए याद रखिएगा कि केमिस्ट्री के पिता एंटोनी एल लेबोजियर को कहा जाता है। हिंदी किताब उसको लगवाजे भी लिख देता है, कोई डाउट नहीं है। अब जो मान के चलिएगा तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आपका एंटोनी एल लेबोजियर कहलाएगा। और इस केमिस्ट्री में जो क्लास 10th का पहला लेसन है, उस पहला लेसन में आपको जिक्र कर रहा हूं कि पहला लेसन में आज हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो आप देखिए उस टॉपिक्स में कैसे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।